डीएसपी से राजकुमार मेहता जी का आईपीएस में प्रोन्नति हुआ, क्या कहेंगे राजकुमार जी? सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। सभी प्रेस बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि इनके साथ मेरा लगाव पुराना रहा, क्योंकि मैं सिटी डीएसपी के रूप में यहाँ काम किया हूँ, सभी लोग से परिचित हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने बहुत सहयोग किया है। और मैं झारखंड सरकार, मुख्यमंत्री महोदय, हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के सभी वरीय पदाधिकारियों का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। उन्होंने मुझे पूर्व में भी चुनौती भरा कार्य दिए थे, जिसको मैंने ठीक ढंग से निर्वहन किया हूँ, और भविष्य में मुझे जो भी सरकार के द्वारा जिम्मेदारी दी जाएगी वो मैं निष्ठापूर्वक निर्वहन करूँगा। क्या कहेंगे ये सफ़र को लेके, क्या कहेंगे जो यहाँ तक का सफ़र रहा उसको लेके क्या कहेंगे? मेरे पिता की एक अपना सपना था, मेरा बेटा एक भारतीय पुलिस सेवा का अधिकारी हो। पिता तो नहीं है, लेकिन उनका आखिरी शब्द था कि क्या तुम्हारा प्रमोशन हुआ, और ये कह के ही वो डेथ किए हैं। लेकिन क्या कहेंगे जिनका मैं सभी साथियों को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि सरकार पे विश्वास रखें, और सरकार जो है बेहतर तरीके से आपकी प्रोन्नति के लिए भी सोच रही है, और उम्मीद रखें आपका भी अच्छा होगा। वो अच्छे से काम करें और निष्ठापूर्वक कार्य करें, बिल्कुल आपका भी प्रोन्नति संभव है, कुछ भी असंभव नहीं है। आप क्या कहेंगे, साथ में है पापा है ना, क्या कहेंगे? कितना खुशी मिलता है जब आप सामने देखें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने साथ में का पदक पाना है, कैसा लगता है? खुशी तो बहुत हुई मुझे ये जानकर इनका प्रमोशन हुआ। ये बहुत मेरे इंस्पिरेशन रहे शुरू से और आगे भी रहेंगे, और मैं चाहती हूँ कि बड़े होकर इनके जैसे ही बनूँ। ऑनेस्ट ऑफिसर। आप भी तैयारी कर रहे हैं इस चीज़ को लेके? हाँ, मैं भी तैयारी कर रही हूँ। मैडम आप क्या कहेंगी, साथ में है, कैसा लगता है जब एक साथ है, जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इन्हें जब पदक बनाया, जब इनका प्रमोशन हुआ, सत्कार? ये दिन देखने के लिए बहुत दिन से सोच रहे थे कि कब ये दिन आएगा। बहुत खुश हो रहे हैं देख के, इतना खुश हो रहे कि हम बता नहीं सकते हैं। क्या कहेंगे संघर्ष को लेकर, अगर बात करें कितना संघर्ष आप लोगों को करना पड़ा यहाँ तक पहुँचने के? हम तो संघर्ष किए ही घर में रहकर, बच्चों को संभाले, पढ़ाए लिखाए, और मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा संघर्ष किए हैं, जितना किए कि हम बता नहीं सकते। रात रात भर पढ़ाई करते हुए डीएसपी का पद पाए, उसके बाद में अभी आईपीएस का पद पाए। राजकुमार जी अंतिम सवाल होगा कि क्या उनको क्या संदेश देना चाहेंगे जो तैयारी भी कर रहे हैं और जिन्हें बहुत तरह से प्रतीक्षा है इन चीज़ों को लेकर? बिल्कुल, मैं पूर्व में शिक्षक रहा हूँ और 3-4 जगह पे मैं शिक्षक रहा हूँ। मैं प्राइमरी टीचर से लेकर हाई स्कूल टीचर और लेक्चरशिप पे भी रहा हूँ, ये मेरी 7वीं नौकरी है। मैं संघर्ष से 1996 से तैयारी करते हुए 2010 में मैं डीएसपी बना हूँ। मैं सभी मोटिवेशन के रूप में मैं अपने जो तैयारी कर रहे लड़के हैं उनके लिए सिर्फ एक शब्द है, हार्ड वर्क के अलावे दूसरा कोई रास्ता नहीं है। आप हार्ड वर्क करेंगे आपकी मुकाम हासिल होगी, आप निश्चिंत रहे, देर हो सकती है लेकिन सूरज निकलेगा, इस पे विश्वास रखना होगा। एक सवाल हो रहा है, क्या लगता है ये जो सोशल साइट आ चुके इससे कितना नुकसान हो रहा है बच्चों को? बिल्कुल, मेरा मानना है कि सोशल साइट यदि उसको पॉजिटिव वे में लेकर के यदि तैयारी करें तो वो आपके लिए बेहतर है, लेकिन ज़्यादातर कोशिश करें कि आप अपने जो भी साइट पे उपलब्ध मटेरियल्स आप उसे कॉपी निकाल करके अपने घर पे तैयारी उसको करें, ना कि मोबाइल से ही देख करके करें। आप साइट में जो उपलब्ध मटेरियल है उसको और जो आपके पास बुक अवेलेबल है उस पर ज़्यादा फोकस करें। वो यदि आप करते हैं, लगातार अध्ययनरत रहते हैं, लगातार मेहनत करते हैं, तो सफलता आपको मिलेगी। ये मैं खुद जानता हूँ, क्योंकि मैं बाहर एग्जामिनेशन में फेल होने के बाद में सफल हुआ था, तो काफ़ी खुश होंगे। तमाम आपके लिए कोई रास्ता ऊपर वाला बना के रखा है, आप अपने रास्ते पे चलें, बंद मिलेंगी। ये तो सर राजकुमार मेहता जी, जिन्होंने डीएसपी से आईपीएस में नई प्रोन्नति मिली, इन्होंने कहा है कि जो भी युवा तैयारी करे उन्हें सिर्फ हार्ड वर्क करे उन्हें सफलता जरूर मिलेगी। सहयोगी नूतन के साथ मनीष झा, न्यूज विंग, रांची। टफकॉन XT600 HCR TMT रिबा। पहले भी बोला था, अगर घर को बनाना है एक्स्ट्रा टफ तो आप भी दिखा सकते अपनी हीरोपंती टफकॉन XT के साथ।